गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर 4। द चैप्टर नेम इज मैटर। आज हम मैटर के बारे में पढ़ेंगे कि मैटर क्या होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको अपने चारों ओर जो भी चीजें दिखाई दे रही है, जैसे टेबल है, चेयर है, विंडो है, फैन है, ये सब क्या है? ये मैटर है। अब मैटर की क्वालिटी होती है कि जो भी मैटर होते हैं उनमें सब में मास होता है, मीन्स सब में वेट होता है और सब स्पेस घेरते हैं। अब आप देखिए, जो भी जैसे चेयर है, टेबल है, इनमें सब में वेट होता है और ये सब स्पेस घेरते हैं। अब जो मैटर होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं, ऐसे पार्टिकल्स जो कि हमें नेकेड आई से दिखाई नहीं देते। इन पार्टिकल्स को हम क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। इसका मतलब अब आप ये समझ गए होंगे कि कोई भी मैटर, जो भी मैटर होता है वो मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है और हमारे चारों ओर मैटर होता है। जो भी आप अपने चारों ओर देखते हैं वो सब मैटर होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर, मीन्स जो मैटर होते हैं उनकी कितनी स्टेट्स होती है। अब जो मैटर होते हैं हमारे वो 3 स्टेट्स में पाए जाते हैं, मीन्स जो मैटर 3 स्टेट्स में ही एग्जिट करते हैं। अब 1 है सॉलिड, 2 है लिक्विड्स एंड 3 है गैसेस। अब जो सॉलिड्स होते हैं तो सॉलिड्स में क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एकदम पास पास रहते हैं, बिल्कुल सटे हुए रहते हैं, कि जो मैटर होता है उनमें इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस नहीं होता है। और जो भी सॉलिड्स रहते हैं उनका शेप भी फिक्स रहता है और उनका साइज भी फिक्स रहता है। जैसे अभी आप ये डस्टर देखिए, ये डस्टर है, इसका हमेशा शेप भी फिक्स रहेगा और इसका साइज भी फिक्स रहेगा। यदि आपको इसकी साइज चेंज करनी होगी तो क्या करना होगा? इसके ऊपर हमें फोर्स लगाएंगे इसको तोड़ने के लिए, तभी इसका साइज चेंज हो सकता है। तो जो सॉलिड्स होते हैं उनकी क्या प्रॉपर्टी हुई कि हमेशा सॉलिड्स में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं पास पास रहते हैं, टाइटली पैक्ड रहते हैं और शेप भी फिक्स रहता है और सॉलिड्स का साइज भी फिक्स रहता है। अब नेक्स्ट है हमारा लिक्विड्स। अब जो लिक्विड्स होते हैं तो लिक्विड्स में भी क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पास पास रहते हैं, लेकिन सॉलिड्स के कंपेरिजन में इनके मॉलिक्यूल्स दूर दूर रहते हैं। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं लिक्विड्स में वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो जो सॉलिड्स होते हैं इनका शेप फिक्स नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता? यदि मान लो जो लिक्विड्स रहते हैं वो यदि आप नीचे गिरा देंगे तो क्या होगा कि वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाएंगे, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरी जगह चले जाएंगे और लेकिन इनका साइज फिक्स रहता है। यदि मान लो आप वाटर को किसी ग्लास में डालेंगे तो क्या होगा? वो ग्लास का शेप ले लेगा। यदि आप वाटर को किसी बॉटल के अंदर डालेंगे तो वो बॉटल का शेप ले लेगा। तो इनका शेप फिक्स रहता है लेकिन साइज फिक्स नहीं रहता। तो लिक्विड्स की क्या प्रॉपर्टीज हुई कि लिक्विड्स में जो होते हैं वो मॉलिक्यूल्स दूर दूर रहते हैं, लिक्विड्स का साइज फिक्स रहता है लेकिन इनका शेप फिक्स नहीं रहता। तो ओके, अभी आपको समझ में आया। अब आपका थर्ड टॉपिक है गैसेस। अब जो गैसेस रहेंगी तो गैसेस में जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो बहुत दूर दूर रहेंगे, वो फैले हुए रहेंगे। जो मॉलिक्यूल्स वह एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं और गैसेस की क्या प्रॉपर्टी हुई कि इनका साइज भी फिक्स नहीं रहेगा और इनका शेप भी फिक्स नहीं रहता। अब गैसेस के क्या एग्जाम्पल हैं? ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है। अब गैसेस जब क्या होती है कि जहाँ भी खाली जगह दिखती है, जहाँ भी जगह होती है वहाँ पे वो भर जाती है। तो ये हुई हमारी गैसेस की प्रॉपर्टी। तो हमारा ये टॉपिक यहाँ फिनिश होता है, ये है स्टेट्स ऑफ मैटर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चेंज ऑफ स्टेट, मीन्स हम जब मैटर होता है तो मैटर की स्टेट को किस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो हम मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं ऑन हीटिंग और कूलिंग द्वारा, मीन्स हम किसी भी मैटर को गर्म करके या उसको ठंडा करके ही उसकी स्टेट को चेंज कर सकते हैं। अब माना कि आपने किसी कंटेनर में वाटर भर लिया और उसको फ्रीजर में रख दिया तो क्या होगा? उसका आइस बन जाएगा, मीन्स जो लिक्विड था, जो वाटर था, वो फ्रीजर में रखने पर सॉलिड बन गया। क्यों?
क्योंकि ठंडा होने पर। तो जो लिक्विड से जो सॉलिड बन गया उस प्रोसीजर को हम क्या बोलेंगे, फ्रीजर। तो ऐसा प्रोसेस कि जिसमें द प्रोसेस बाय विच अ लिक्विड चेंज इनटू सॉलिड स्टेट ऑन कूलिंग इज कॉल्ड फ्रीजिंग। तो समझ में आया फ्रीजिंग क्या हुआ, कि जो लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होना फ्रीजिंग। अब माना कि जब किसी सॉलिड को मीन्स आइस को यदि आपने फ्रीज से बाहर निकाल के रख दिया तो क्या होगा, वो धीरे धीरे मेल्ट हो जाएगा। क्यों हुआ मेल्ट, क्योंकि उसे हीट मिली। तो जब कोई सॉलिड बाय हीटिंग के द्वारा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है उसे हम बोलेंगे मेल्टिंग। तो ऐसा प्रोसेस कि जिसमें सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है वो हुआ मेल्टिंग। कि जो प्रोसेस बाय विच अ सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड स्टेट ऑन हीटिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग। अब नेक्स्ट है हमारा कि जब मान लो कोई लिक्विड है, लिक्विड को आप गर्म करेंगे तो क्या होगा, वाटर वेपर बनेगा, मीन्स गैस बनेगी। तो जब किसी लिक्विड को गर्म करने पर गैस बनती है, वाटर वेपर बनता है, तो उसे हम बोलेंगे इविपोरेशन। तो स्टेट चेंज हुई किस तरह से, ये कूलिंग के द्वारा और गर्म करने पर जो वाटर की स्टेट चेंज हो रही है ये आप देख रहे हैं। अब हम नेक्स्ट है हमारा, यदि मान लो जो वाटर वेपर है, यदि वाटर वेपर को आप ठंडा करेंगे तो क्या होगा, वापस वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। कि मान लो वाटर वेपर कूलिंग के द्वारा वाटर में कन्वर्ट हो गया वापस से, तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे कंडेंसेशन। द प्रोसेस बाय विच अ गैस चेंज इनटू लिक्विड ऑन कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। अब आप समझ गए होंगे कि किस तरह से स्टेट्स को चेंज किया जा सकता है, या तो कूलिंग के द्वारा या हीटिंग के द्वारा। तो स्टूडेंट्स ये हमारा टॉपिक यहाँ खत्म होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सॉलिड सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। अब हम पढ़ेंगे कि सॉलिड क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है और सॉल्यूशन क्या होता है। अब आप देखते हैं कि जो वाटर में यदि आप सॉल्ट मिलाएंगे तो क्या होगा, वाटर में मिक्स हो जाएगा और वाटर सॉल्टी हो जाएगा। यदि आप वाटर में शुगर मिलाएंगे तो क्या होगा, वाटर स्वीट्स हो जाएगा। तो जो कुछ सॉलिड्स होते हैं, मान लो सॉल्ट है, यदि आप ये सॉल्ट है इसको आपने वाटर में मिलाया तो वाटर, तो जो सॉल्ट है इसको हम बोलेंगे सॉलिड। और जो वाटर में जिसको हम मिला रहे हैं इसको वाटर को हम बोलेंगे सॉल्वेंट। और जब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट जिसमें मिल जाते हैं तो इनकी हम मिक्सचर को बोलेंगे सॉल्यूशन। मीन्स समझ में आया कि जो हार्ड है, जो सॉलिड है वो तो हुआ सॉल्यूट, और जो लिक्विड है वो हुआ हमारा वाटर। और जब सॉल्ट और सॉलिड और वाटर में जब मिला देंगे तो यह हुआ हमारा सॉल्यूशन। मीन्स सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से क्या बना, सॉल्यूशन। तो ये हमारा टॉपिक यहाँ खत्म होता है, ये चैप्टर जो मैटर है हमारे यहाँ फिनिश होता है। होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, आप इसको एक बार रीड करेंगे आपको चैप्टर समझ में आएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।